गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैच लाइव विद अस में। और अब हम लोग आ गए हैं खजियार में, और खजियार को कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड भी। तो हम लोग आ पहुंचे हैं खजियार में, और ये हमारा मिनी स्विट्जरलैंड खजियार की वो वैली। देखिए पीछे सारी एक्टिविटी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। और अभी ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारे होटल के बारे में। हम रुके हैं होटल देवदार में, और काफ़ी अच्छा होटल है। और इसकी प्राइम लोकेशन कैसी है, क्या है, कहाँ है, कैसे है, मैं आपको सब बताती हूँ। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन मनी वाली रहेगी वो मैं आपको सी हिसाब से दिलवाऊंगी। तो चलिए पहले मैं आपको होटल दिखाती हूँ कि कहाँ है और कैसा है, चलिए मेरे साथ। गाइज, ये है होटल द देवदार, और ये इनके सामने भी इन्हीं का होटल है, ऊपर ऑफिस भी है और ये नीचे है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ, हमारी बस रुकी यहाँ, हमें उतारा जस्ट रोड पे, और सामने ही आपको वैली में आप दिखाती हूँ। नीचे उतरते हैं, हमारे तीन रूम है नीचे की तरफ, और ये देखिए मैं नीचे उतरूँगी और सामने आपको वैली का व्यू दिखाई देगा। देखिए, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, और काफ़ी सुंदर और बहुत ही प्यारा व्यू है। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। ये एक्टिविटीज़ हम आपको कल दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वैली के अंदर जाके वहाँ पे क्या क्या है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ होटल। तो ये हमारे तीन रूम्स हैं, उधर हमारे बड़ी दीदी का, इधर हम, और इधर हमारे छोटे दीदी, और ये हमारे खड़े हैं बड़े दीदी जी। है जी, ये लोग भी इधर नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं। अब मैं घुसती हूँ रूम में अंदर, ये है हमारा रूम। ये देखिए, ये यहाँ पे बेड पे प्रियांक सो रहा था, आए और प्रियांक सो गया। हीटर है यहाँ पे, सर्दी रहती है रात में तो उस हिसाब से हीटर है। इधर आप लोग जैसे, आपके साथ में अब जैसे हमारे दीदी जी अजी आए हैं, दो चेयर उधर भी हैं, दो चेयर इधर भी हैं, अपना बैठे मीटिंग करें। इधर आपको तैयार होना है तो मिरर भी है सामने के सामने ही, बताइए इसमें मैं कैसी लग रही हूँ। तो मिरर भी है, मैं यहीं बैठ के तैयार होंगी। इधर टीवी है, और उसके बाद ये देखिए, ये है यहाँ की अलमीरा, आपको इसमें रखना है। यहाँ पे इन्होंने रजाइयाँ और ब्लैंकेट और एक एक्स्ट्रा पिलो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये है यहाँ का स्पेशियस सा वॉशरूम, जो कि गीजर है, टॉवल्स हैं, और इधर ये हमारा वॉश बेसिन है, फिर से मिरर है, ये सब है। काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा है, ठीक है। तो ये है हमारा रूम, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यही है, जब आप सुबह जगो और आपको ये व्यू मिले, देख रहे हो आप, पैराग्लाइडिंग भी हो रही है सामने, तो कितना ही बढ़िया लगेगा। ऐसी लोकेशन मिले तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। तो देख लीजिए, हमारे बच्चे यहीं से यहीं इंजॉय करो अपना, यहीं बैठ के चाय पियो, मज़ा आएगा कि नहीं। अगर ऐसा कमरा हो, यहाँ रहना कोई आराम की बात थोड़ी है, मिलते भी नहीं है। तो ये रूम जैसी देखा ना, तो दिल बाग बाग हो गया, गार्डन हो गया। हाँ, बुकिंग आप किए ना कुछ गवर्नमेंट के हैं, मैं आपको बताऊंगी। क्यों कह रहे हो यहीं पर आना? हाँ नहीं, स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। सीए साहब बताएंगे कि उन्होंने बुकिंग कैसे करी थी और कैसे उनको मिली ये रूम्स मिले। और मुझे लगता है कि आज हमारा ये वाला रूम रहेगा, और कल भी, क्योंकि हम खजियार में ही हैं तो कल हमारे रूम्स चेंज होंगे, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी, कल ऐड कर दूंगी। तो अभी बाकी की इन्फॉर्मेशन की कितने का रूम है और कैसे इसकी बुकिंग करी थी, वो मैं आपको सीए साहब के थ्रू दिलवाऊंगी, तो वेट करिए। पर रूम्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग आ रहे हैं खजियार, प्लान कर रहे हैं और रुक रहे हैं, एक दिन में आना जाना नहीं कर रहे, तो कोशिश करिएगा कि ये मिल जाए आपको। बाकी की डिटेल आपको सीए साहब देंगे। अभी सीए साहब आ गए हैं, और हमारे जिया जी दिन दोनों ने मिलके बुकिंग करी थी, तो ये अब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इन्होंने ये इतना बढ़िया रूम कैसे प्राप्त करा। आप बताओ, आपने मुझे क्या सलाह दी थी? भाई मैंने तो ये कहा था कि हमें गवर्नमेंट सर्विसेज पे भरोसा रखना चाहिए, एक्चुअली प्राइम लोकेशन। तो इन्होंने मुझे साइट बताई, हिमाचल टूरिज्म की साइट है, उस पर हमने जाके बुक करी। एडवांस बुकिंग आपको 2-3 महीने पहले करनी पड़ेगी, तभी आपको रूम मिल पाएंगे, ठीक है। ये वाला रूम तो हमारी प्रायोरिटी नहीं थी, हमारी प्रायोरिटी थी वो वाले जो रूम है वहाँ पर ऊपर बुक हो गए, जहाँ पर हम कल रुकेंगे। ये तो वहाँ नहीं मिला था, इसलिए हमने ये बुक करना पड़ा। अरे ये भी बहुत बढ़िया है, यहाँ का व्यू भी बहुत, ये तो बिल्कुल ही प्राइम है। ₹200 प्लस GST में हुआ है वो वाला, वहाँ नहीं ये हुआ है 2500 नहीं, ये नहीं, नहीं। अच्छा, ये 3200 प्लस GST है, वहाँ पे ₹4200 प्लस GST, वो ऊपर से भी होगा। हाँ। और ये बिल्कुल सामने से है जी। हाँ। तो ये है आपका, बाकी हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश टूरिज्म पे आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो 2-3 महीने। होटल था देवदार। हाँ ये देवदार है, और वो हम वहाँ जो रुके थे वो मनी महेश था, वो तो उसकी तो हमने बताया नहीं है। बहुत प्राइम,
ये आप ना गवर्नमेंट के जो लोकेशन अगर लोगे तो आपको लोकेशन बहुत बढ़िया मिलेगी और कुछ मिले ना मिले सेफ्टी सिक्योरिटी हाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा है। अब जो ये वैली हमारे पीछे दिखाई दे रही है इसकी वीडियो हम कल बनाएंगे, इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहे क्योंकि ये होटल की वीडियो है। हाँ तो इसलिए होटल तक ही रखे है। हाँ डलहौजी घुमाने के और डलहौजी से अपनी हल आने के 8,000 रुपए हम टेम्पो ट्रेवलर वाले को दे चुके हैं। अब डलहौजी अब खजियार से है ना, हम क्योंकि खजियार आ चुका 8,000 रुपए में और डलहौजी भी घूम चुके हैं। अब खजियार से हमें वापस जाना है पठानकोट जाने के लिए, उसने हमसे 19,000 रुपए ले लिए। 19,000 रुपए ले लिए 9,000 रुपए वही मैं कह रही हूं 9,000 रुपए, लेकिन मैं तो रिएक्शन देखना चाह रहा था कि यूट्यूबर का कैसा तो ऐसा ही था मेरे को 19,000 रुपए 9,000 रुपए में अब हम जाएंगे क्योंकि हमारी 12 बजे की ट्रेन है तो सुबह 9,000 रुपए वो सिर्फ पठानकोट छोड़ने के। उनका नंबर भी इसमें रेफरेंस में डाल दो। हां और उनका रेफरेंस में डाल देंगे। हां क्योंकि सुबह 12 बजे की ट्रेन है, यहाँ से कम सुबह 6 बजे निकलना पड़ेगा तब हम जाके पठानकोट पहुंचेंगे 12 बजे तक। और यहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं ना, यहाँ से कोई वो चलती है टैक्सी। एक्चुअल में क्या है ना, देखो एक चीज मैं आपको बताऊँ, डलहौजी में एक प्रॉब्लम है, आपको ना ऑटो नहीं मिलेंगे या टिर्री नहीं मिलेगी या फिर कोई रिक्शा नहीं मिलेगा कुछ, या तो पैदल चलो और या फिर बुकिंग कर लो अपनी। तो अब हम 11 लोग तो हमने टेम्पो ट्रेवलर बुक करा था अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन रूम के बारे में मिल गई। अब हम जा रहे हैं रात का डिनर करने, तो वो डिनर की भी सारा कैसा है कितने का है क्या है वो सब आपको वो भी दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से इन्हीं के यहाँ पर खा रहे हैं। रेस्टोरेंट भी है तो यहीं पर हम खाएंगे। पानी की बोतल तो लेकिन बहुत महंगी है, 42 रुपए 20 वाली। बाकी खाने का भी बताते हैं अभी खा के दिखा के। तो ये देखिए नूडल्स आ गए हैं, नूडल्स खाए जा रहे हैं। प्रियंक ने खाया है फ्राइज और सैंडविच और उधर भी चल रहे हैं नूडल्स। कैसे हैं ये सब बताओ, क्या कैसे हैं? अपने गाजियाबाद जैसे नहीं, लेकिन खाते में डिस्टर्ब मत करो वीडियो के चक्कर में। अच्छा अभी खाना आना बाकी है। इधर प्रियंक फ्राइज कैसे हैं? फिर यार हम लोगों को डिस्टर्ब मत करो, इन्हें डिस्टर्ब करो। वो लोग कैसे हैं नूडल्स कैसे हैं बताओ? बहुत टेस्टी है, बढ़िया एकदम बढ़िया। अभी खाना आता है तो मैं खाने का भी रिव्यू दिलाती हूँ। अच्छे हैं वैसे, अच्छे हैं। खा लो आपने। खा रही हूँ मैं, अच्छे हैं। हो गई तो गाइस खाने का रिव्यू दे दूँ। सूखी सब्जी खाइए, फैमिली की टच आ रही है ना, बहुत ज्यादा मतलब स्पाइसी खाना है ना कुछ हल्का बढ़िया है। पनीर हाँ इनका अलग है, पहली बार मैं यहाँ खा रहा हूँ पनीर मखनी, तो पनीर कुछ अलग है इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी एकदम रोटी भी मैंने तवा रोटी मंगाई है, नान नहीं है, अच्छा लग रहा है खाना, चाहे इजीली डाइजेस्ट हो सके, खाना बहुत बढ़िया है। आप यहाँ तो गाइस जो हमारा सेकंड डे का रूम है वो ये है, रूम नंबर 305। और ये देखिए हम एंटर करते ही ये सब स्वागत कर रहे हैं और ये है हमारा लगेज एरिया, यहाँ पे हम अपना लगेज रख दिया है। और स्वागत सीधे कहाँ कर रहे हैं? वॉशरूम, ये वॉशरूम, वॉशरूम भी वो वाला भी स्पेशियस था और ये भी स्पेशियस है। ये देखिए इधर ये हमारा सब कुछ है ना। अब हम चलेंगे अंदर, ये कबर्ड्स है, इसमें आप अपने ब्लैंकेट वगैरह रखे हुए हैं वो आप ले सकते हैं और अपने कपड़े रख सकते हैं। सामने सैमसंग की बड़ी सी टीवी, ये ड्रेसिंग टेबल है, ये केटल है जो गर्म पानी करने के लिए क्योंकि यहाँ पानी बहुत ठंडा होता है। और ये है हमारा बेड और आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ये जो रूफ का रखते हैं, वैसे तो ये पूरा ही वुडन का ही बना हुआ है ताकि गर्मी इसमें कम लगे, कम लगे नहीं सर्दी कम लगे, सर्दी कम लगे। हाँ ये देखिए ये है, आप यहाँ पे अपना आराम से, फर्नीचर काफी अच्छा करा, फर्नीचर काफी अच्छा करा हुआ है यहाँ पे। आप बैठ के अगर किसी को लैपटॉप वगैरह से काम करना है तो वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल के साथ आप पूरा अच्छे से तैयार हो सकते हैं आपको बैठने के लिए। और आइए अभी ना यहाँ का ये है रूम हीटर, ये क्योंकि ठंड यहाँ पे काफी रहती है और ये आप बैठ के चाय कॉफी का मजा ले सकते हैं बहुत ही, और वो मजा अधूरा है इसके बिना क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो है ये। पहले हम थे वहाँ पर है ना, हमारे वहाँ सामने थे रूम इधर, और अभी जो रूम है ये हम बालकनी में आ गए। ये है जो वो व्यू है, आप यहाँ बैठिए और सामने खजियार वैली का व्यू लीजिए और
और ये ऐसे है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है यहाँ पे बालकनी, और बालकनी से आप सामने ही हमारी खजियार वैली का व्यू ले सकते हैं, जो कि काफी ब्यूटीफुल है दीदी। और ये देखिए हमारी जो बालकनी है वो भी आपस में जुड़ी हुई है, इधर भी और उधर भी, और हम फिर से बीच में। तो ये देखिए सामने ये व्यू है और काफी अच्छा है ये व्यू, दमदार। और अभी हम फिर से जाएंगे वहाँ, पहले जो हमारे रूम्स है ना, मैं आपको दिखाऊँ कौन सा थे, वो ये वाले थे, ये वाले। और अभी हम आ गए हैं सामने, तो आप कहीं की भी बुकिंग ले सकते हैं जहाँ की आपको अवेलेबल हो और बहुत ही अच्छी है। चलिए तो दोस्तों हम इस रूम में जिस महान शख्सियत की बदौलत है उनसे आपको रूबरू करवा दूं। ये है हमारे रेलवे बोर्ड के जेई साहब, अभी जेई हैं, फिर एई होंगे, फिर एक्शन होंगे, यही चलता है सब ऊपर वाले का नहीं, वैसे ऐसे ही यही है ना, जेई फिर एई होगा भविष्य, फिर चीफ एक्शन, ऐसे ही चलते है ना। तो वहां के बिहारी जी से ऐसी कामनाएं कि ये जल्द से जल्द प्रमोशन पाए और फिर और भी अच्छी अच्छी और भी अच्छी जगह हमें स्टे करवाएं। यहाँ का आइडिया इन्होंने ही दिया था कि वहां पर आप, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म से, वहीं से ये हमने बुक कराया और इसका जो फेयर है वो है 4,000 रुपए प्लस GST, यही है ना जी? बिल्कुल सही। तो आप लोग भी दुआ करना, गवर्नमेंट एकोमोडेशन ही हमें जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के है ना वो, क्योंकि एकदम प्राइम लोकेशन पे होते हैं, ना मिले फिर तो प्राइवेट है। हाँ, तो और आप लोग भी दुआ करिएगा कि जल्द से जल्द प्रमोशन मिले और जल्द से ये हमें फिर एक ट्रिप करवाएं बढ़िया सी, कोई अगली ट्रिप होगी, प्रमोशन हो रहा हो जी। और ये पीछे ये इनका भी एक चैनल है, ये इनका चैनल, ये अपने बारे में बताएंगे, सिट टू ब्लॉग के नाम से, देखो मेरा प्रियांक ने बताया सिट टू ब्लॉग। तो इसका, ये हमारी सिस्टर है, तो इसका मतलब मेरी सिस्टर है, इनकी तो वाइफ है, तो इसका चैनल है, इसे भी आप लोग जो भी लोग देखते हैं हमारी वीडियो, 150-200-250 लोग, वो जाके जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओनर आ गई है, ओनर आ चुके थे लेकिन लोग, प्रियांक ने बाय कर दिया, तो हम अब हम भी बाय करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। टाटा।